नक्सलियों ने तेंदुपत्ता फल में लगाई आग, किरणापुर परिक्षेत्र के अंतर्गत लोडांगी जोधी टोला की घटना, पुलिस ने शुरू की जांच। घटना के पीछे मलाजखंड और टाजा दलम के नक्सलियों का बताया जा रहा है हाथ। 15 दिन के भीतर दूसरी बार नक्सलियों ने तेंदुपत्ता फड़ में लगाई आग। पद्मेश 24/7 की खबर के बाद वार्ड नंबर 4 का नारटोला में नाला सफाई के लिए पहुंचा नगरपालिका का अमला। नाले की सफाई से नाखुश वार्डवासी, नाला निर्माण की रखी मांग। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कोरोना बुलेटिन। 30 मई को मिले 11 नए पॉजिटिव मरीज, 79 मरीजों के ठीक हो जाने पर किया गया डिस्चार्ज। जिले के भीतर अब भी 266 पॉजिटिव मरीजों का चल रहा इलाज। गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत हीरापुर गांव में बेटे ने कर दी मां की हत्या। घटना के बाद से आरोपी फरार, पुलिस ने शुरू की जांच। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा, गला घोटकर की थी हत्या, नाले में फेंक दिया था शव। रूपजर थाना के सोनगुड्डा डोडेरा की घटना। इक्कीस अप्रैल से लापता थी प्रतिका संतुराबाई, पति तीतू सिंह ने की थी हत्या और घटना पर पर्दा डालने के लिए नाले में फेंक दिया था शव। पुलिस की जांच में हुआ खुलासा, मृतिका के शरीर पर पाए गए थे चोट के निशान। शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से पीड़ित होकर परसवाड़ा भीकेवाड़ा की आशा कार्यकर्ता ने पति पर लगाया आरोप, दर्ज कराई रिपोर्ट। कोरोना काल में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में गूंजती रही किलकारी, मार्च और अप्रैल महीने में 1100 बच्चों ने लिया जन्म। अड़तीस कोरोना पॉजिटिव महिलाओं की भी करवाई गई डिलीवरी, 4 महिलाओं का हुआ सीजर। एक जून से अनलॉक पर निर्देश जारी, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने पर आदेश, आवश्यक सामग्री की दुकानों छोड़कर अन्य दुकानें एक दिन के अंतराल में खोलने के आदेश। रोजाना यह दुकानें खुलेगी, मेडिकल, दूध, सब्जी रोजाना सुबह 6 से 12 बजे तक खुलेगी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलेंगे डेली नीड्स, आटा चक्की, कृषि उपकरण, मोहल्ला की दुकान और कपड़ा, सराफा, फुटवेयर, बर्तन, फुटवेयर, टेलरिंग मटेरियल, स्टेशनरी, सैलून दुकान। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगे भवन निर्माण, विद्युत उपकरण, ऑटोमोबाइल्स, गैरेज, लकड़ी टॉल, फर्नीचर, हार्डवेयर दुकान, घड़ी, चश्मा, मोबाइल, कंप्यूटर दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी प्रकार की रिपेयरिंग और किराना, जनरल स्टोर्स, अनाज की दुकानें। जिले में रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हर दिन रहेगा नाइट कर्फ्यू। जिले के भीतर सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक गतिविधि आयोजन पर रहेगा प्रतिबंध। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं, कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद, सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल, पिकनिक स्पॉट, जिम रहेंगे बंद। एक ही स्थान पर 6 व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध, आवश्यक सेवा कार्यालय में 100%, सभी कार्यालय में 50% कर्मचारी का आदेश। बारासिमली के बाबा बोड़ी तालाब की गंदगी और वार्ड नंबर 11 के निवासियों ने अलग अलग परेशानियों को लेकर नगरपालिका प्रशासन को बताई परेशानी।
लालबर्रा में 1 जून से दुकान खोले जाने को लेकर व्यापारियों ने शुरू की दुकानों की साफ सफाई। इन व्यापारियों में दुकान खोलने का नहीं दिखा उत्साह। शादी का सीजन चले जाने की कही जा रही बात। वैक्सीनेशन पर नया आदेश आया है। 5 जून को नहीं चलाया जाएगा विशेष वैक्सीनेशन अभियान। तारीख में संशोधन कर 9 जून को जिला प्रशासन ने दिया है आदेश। हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा में जनरल प्रमोशन के बाद छात्रों ने फीस वापस करने की रखी मांग। औपचारिकता में सिमटा तंबाकू निषेध दिवस। विभागों में दिलाई गई तंबाकू निषेध दिवस पर शपथ। जिला अस्पताल के 3 वरिष्ठ चिकित्सक हुए सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्ति पर स्टाफ के कर्मचारी अधिकारियों ने दी विदाई। जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विजय गांधी, लैब टेक्नीशियन डॉक्टर अभय श्रीवास्तव, डॉक्टर यमराज मेहरबान हुए सेवानिवृत्त।